Now we have to start with adjustment number third. Balance sheet के नीचे का third adjustment. Plant and machinery and stock to be depreciated at 10% and 5% respectively. Third adjustment, plant and machinery and stock depreciated at 10% and 5%. Balance sheet में यहाँ पे asset side पे आपको plant and machinery दिया 24,000. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लांट एंड मशीनरी 24,000, तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%. तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखना है प्लांट एंड मशीनरी 24,000. इनर कॉलम एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड है 10%, तो प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. तो 24,000 का 10%, 24,000 का 10% 2,400 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 21,600. ये हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन. इन द थर्ड एडजस्टमेंट इट इज गिवन प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड एट 10% एंड 5%. अभी स्टॉक पे डेप्रिसिएशन जो है, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन है 5%. बैलेंस शीट में स्टॉक का जो अमाउंट है, स्टॉक का अमाउंट है 16,000. एसेट साइड पे स्टॉक 16,000, इसमें से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन. एसेट साइड पे स्टॉक का अमाउंट है 16,000, डेप्रिसिएशन है 5%. तो 16,000 का 5% 800, आउटसाइड कॉलम में 15,200. अभी ये जो डेप्रिसिएशन है, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2400 और स्टॉक का जो डेप्रिसिएशन है 800, इसका सेकंड इफेक्ट. प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2400 और स्टॉक का डेप्रिसिएशन है 800, इसका सेकंड इफेक्ट देना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे साइन दिया हुआ है ए माइनस. ए माइनस मतलब एसेट डिक्रीज, ए माइनस एसेट डिक्रीज. तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया मतलब एसेट डिक्रीज हुआ है, स्टॉक में से माइनस किया यहां पे भी एसेट डिक्रीज हुआ है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है टू प्लांट एंड मशीनरी 1600, टू स्टॉक 800. थर्ड एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक डेप्रिसिएटेड एट 10% एंड 5%. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू है 24,000, डेप्रिसिएशन है 10%. तो 24,000 में से 10% माइनस किया है, 24,000 का 10% 2400. एसेट साइड पे स्टॉक का जो वैल्यू है, स्टॉक का वैल्यू है 16,000, डेप्रिसिएशन है 5%. तो 16,000 में से माइनस किया 5%, 800. डेप्रिसिएशन का इफेक्ट दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, यहां पे साइन दिया है ए माइनस मतलब एसेट डिक्रीज. तो बैलेंस शीट में हमने एसेट में से क्या किया, एसेट में से माइनस किया. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे फोर्थ एडजस्टमेंट ए प्रोविजन ऑफ 6% ऑन डेटर्स बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. फोर्थ एडजस्टमेंट है ए प्रोविजन ऑफ 6% ऑन डेटर्स बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. ये आरबीडी का एडजस्टमेंट है. दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ आरबीडी. तो ये
डेटर्स का वैल्यू है 30,000, ये डेटर्स का जो वैल्यू है इस पे 6% कैलकुलेट करना है। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 30,000, इसमें से माइनस करना है 6% आरबीडी, तो 30,000 का 6%, 30,000 का 6% 1,800 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 28,200 एडजस्टमेंट है 6% ऑन डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 30,000 का 6% आरबीडी आ गया 1,800। ये आरबीडी का दूसरा इफेक्ट, आरबीडी का दूसरा इफेक्ट एसेट डिक्रीज, एसेट डिक्रीज। डेटर्स में से क्या किया, डेटर्स में से हमने माइनस किया, डेटर्स में से माइनस किया मतलब एसेट का वैल्यू क्या किया, एसेट का वैल्यू डिक्रीज किया, तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू आरबीडी 1800। फिफ्थ एडजस्टमेंट फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड का मीनिंग है इंक्रीज, फर्नीचर इज अंडर वैल्यूड बाय रुपीज 1000, अंडर वैल्यूड का मीनिंग है इंक्रीज। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्नीचर का अमाउंट आपको दिया है 2000, ये फर्नीचर को क्या करना है 1000 रुपीज से इंक्रीज करना है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर, एसेट साइड पे फर्नीचर का अमाउंट है 2000, 1000 रुपीज से क्या करना है इंक्रीज करना है, तो फर्नीचर का अमाउंट है 2000, इसमें ऐड करना है प्लस करना है, प्लस अंडर वैल्यू का मीनिंग है इंक्रीज, तो 1000 रुपीज क्या करना है ऐड करना है। एडजस्टमेंट इज फर्नीचर इज अंडर वैल्यू बाय रुपीज 1000, एसेट साइड पे फर्नीचर का अमाउंट है 2000, 1000 रुपीज से इंक्रीज करना है, तो फर्नीचर के अंदर ऐड किया अंडर वैल्यू 1000। अब ये 1000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट, 1000 रुपीज का दूसरा इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहां पे क्रेडिट साइड पे साइन है A+ का मतलब है एसेट इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेना है बाय फर्नीचर 1000। फर्नीचर में क्या किया, फर्नीचर में हमने प्लस किया, फर्नीचर में ऐड किया मतलब क्या हुआ, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिया है बाय फर्नीचर 1000। एसेट अगर माइनस होता है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखा है, और एसेट अगर प्लस होता है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा है। लास्ट एडजस्टमेंट इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज ए लायबिलिटी फॉर रुपीज 1000 फॉर क्रेडिट परचेसेस विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट एडजस्टमेंट है इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज ए लायबिलिटी फॉर रुपीज 1000 फॉर क्रेडिट परचेसेस विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एडजस्टमेंट का मीनिंग है अनरिकॉर्डेड परचेसेस, लास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग अनरिकॉर्डेड परचेसेस, तो हम फाइनल अकाउंट्स में अनरिकॉर्डेड परचेसेस इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में देते हैं। बैलेंस शीट में ये जो क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स के अंदर ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ये फाइनल अकाउंट्स में क्या होता है, ये क्रेडिटर्स के अंदर ऐड होता है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स के अंदर क्या होता है, ऐड होता है, तो लायबिलिटी साइड पे आपको लिखना है क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स का अमाउंट है 15,000, इसके अंदर क्या करना है ऐड करना है प्लस
100 purchases. Last adjustment, it was found that there was a liability for rupees 1000 for credit purchases not recorded in the books of accounts. So credit purchases not recorded in the books of accounts. इसका मीनिंग है अनरिकॉर्डेड परचेसेस. तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस हम फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं, क्रेडिटर्स के अंदर ऐड करते हैं. तो क्रेडिटर्स का वैल्यू है 15,000, ऐड करना है अनरिकॉर्डेड परचेसेस के 1,000, टोटल आ गया आउटसाइड में 16,000. अभी अनरिकॉर्डेड परचेसेस ये 1000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट, अनरिकॉर्डेड परचेस इसका 1000 रुपीस का दूसरा इफेक्ट. लायबिलिटी इंक्रीज एल प्लस, क्रेडिटर्स में क्या किया है, क्रेडिटर्स के अंदर हमने ऐड किया है. तो क्रेडिटर्स में ऐड किया मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है. तो अनरिकॉर्डेड परचेस इसका इफेक्ट, ये लायबिलिटी इंक्रीज का इफेक्ट देना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है टू creditors 1000.